फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, वरना सेना चैनल में आप सबों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस्कॉन टेंपल की, जो है पुणे के कात्रज में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रसाद वितरण वाली जगह पर और हमने वहां से प्रसाद ग्रहण किया और संगीत का भी आनंद उठाया। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर की मैं सारी चीज़ें अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद हमें सिक्योरिटी के लिए आगे जाना पड़ता है और वहाँ से निकलने के बाद हमें सबसे पहले दिखाई देती हैं गौ माता। और वहाँ उनके दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल के बारे में, कई सारी जगहों के बारे में बताया गया है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई देते हैं कृष्ण भगवान, जो शेष नाग पर सवार हुए दिखाई देते हैं। और ये काफ़ी ही ज़्यादा मनोरम और भव्य दृश्य है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आँखों में बसा लेने वाला दृश्य है और ये आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देगा। तो दोस्तों, यहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ निकाली और इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ें। और आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको वहीं पर आपको जूता स्टैंड दिखाई देगा, जहाँ पर आपको अपने सारे जूते वहाँ निकालने होते हैं। और वहीं बगल में आपको नल भी दिखाई देंगे, जहाँ पर आप हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने भी वहाँ पर जूता यहाँ पर निकाला और हाथ पैर धोकर हमने मंदिर में पहले सीढ़ी को प्रणाम करते हुए मंदिर के आगे की ओर बढ़े। वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरे दोनों बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं मंदिर में जाने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ का आप दृश्य देख सकते हो, यहाँ कितनी भीड़ है और लोग श्रद्धापूर्वक यहाँ पर दंडवत भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और ये काफ़ी मनोरम दृश्य है और इसे देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। दोस्तों, हम लोग जब मंदिर में गए थे उस समय आरती का समय हो रहा था, तो हमने आनंद लिया आरती का और आप भी हमारे साथ आरती का भरपूर आनंद उठाइए। Oh,
तो दोस्तों, यह मंदिर हिंदू भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है और 2013 में खोला गया था और यह पुणे शहर का सबसे बड़ा मंदिर है। और यह मंदिर परिसर जो है वो छः एकड़ में बना हुआ है और इसका निर्माण करने में टोटल 7 वर्षों का समय लगा था। कैंप और भक्तों में इस्कॉन मंदिर द्वारा विश्व पोषित मंदिर के निर्माण में 40 करोड़ रुपये लगे और मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2013 में किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कीर्तन नृत्य का आनंद उठाइए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
दोस्तों आरती और कीर्तन नृत्य देखने के बाद अब हम लोग मंदिर से बाहर की ओर जा रहे हैं और वहां का दृश्य अभी आप देख सकते हैं। दोस्तों जब आप बाहर की ओर प्रसाद लेने के लिए निकलोगे तो वहां से निकलते ही आपको वॉल पर कृष्ण जी की सारी लीलाओं को आपको देखने का मौका मिलेगा। आप एक एक करके सारी उनकी लीलाओं को आप देख सकते हैं और यह देखना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है मेरा और ये बहुत ही ज़्यादा भव्य और खूबसूरत लग रहा था। तो इस चित्रकला में आप देख सकते हो कि नरसिम्हा भगवान ने कैसे हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से वध करते हुए इसमें दिखाया गया है। इस तरह आप कई उनकी कई लीलाओं को चित्रकला के रूप में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मंदिर परिसर में दो मंदिर है ये तो आपको पता ही है। मुख्य है राधा कृष्ण मंदिर और दूसरा है वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर। राधा कृष्ण मंदिर लाल पत्थर और संगमरमर का उपयोग करके उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली में बनाया गया है, जबकि वेंकटेश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली में तिरुमाला में बालाजी मंदिर के समान कोटा पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी आज की ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए प्लेस के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को वॉच जरूर।